वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी इस सेशन के अंदर हम देखने जाएंगे कि प्रोजेक्ट्स को जब क्रिएट करते हैं तो उसको फेलिंग होता है, तो कैसे उसको ट्रेबल शूट करें, उसके लॉग कैसे देखें, एंड जेंकिंस कैसे उसको सपोर्ट करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। दूसरा ये है कि इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे इनेबल और डिसेबल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करें। सो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे कन्फिगर है, आप देख सकते हो डेमो नाम का। मैं प्रोजेक्ट पे एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। सो जैसे बिल्ड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल आउट पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस स्टेटस कन्वर्ट हो गया। सक्सेस और फेल कोई भी एक हो सकता है, बट यहाँ पे अभी सक्सेस दिखा रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्शन करेगा कि क्या एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स एग्जीक्यूट हुआ है, इको कमांड, और इसका ये आउटपुट है। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। दूसरा क्या है कि अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो कैसे उसको ट्रेस करें फेलिंग के केस की। तो फेलिंग करने के लिए अपने को पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप अपने प्रोजेक्ट के एडिट सेक्शन के अंदर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्फ़िग पे जा सकते हो, यहाँ पे आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आएगा कॉन्फ़िगर। सो अभी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जा गए, अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि अभी इको कमांड है तो मैं इसको थोड़ा फेल कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे इको मैंने टाइपो मिस्टेक कर दिया है। तो अभी ये कमांड फेल होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते एक बार एंड वापस चलते अपने प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे बिल्ड नाउ ऑप्शन है, यहाँ से हम ट्रिगर करते हैं बिल्ड को एंड ये बिल्ड फेल हो गया। दूसरा क्या है कि अगर बिल्ड को ट्रिगर करना है, क्या दूसरा क्या ऑप्शन है, तो डैशबोर्ड पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन है, यहाँ से आप बिल्ड को फेल कर सकते हो। सो बिल्ड ट्रिगर करने के दो अलग ऑप्शन है। अभी एक बार कंसोल लॉग में जाते हैं, अभी फेल स्टेटस दिखाता है। तो लॉग कंसोल पे कैसे जाते हैं, तो आप देख सकते हो अभी ड्रॉप डाउन के अंदर आप ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। देखिए जैसे कि वर्कस्पेस है, बिल्ड ना हो, डिलीट प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगर है, बट ड्रॉप डाउन के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि उसके कंसोल आउटपुट पे कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ से उसको रिडायरेक्शन उसके बिल्ड नंबर का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर का रिडायरेक्शन मिलता है कि जैसे कि अभी 1 2 3 बिल्ड नंबर का रिडायरेक्शन है। तो यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे आप आइकॉन पे क्लिक करोगे तो कंसोल आउटपुट पे ये रिडायरेक्ट करेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे भी क्लिक करोगे तो ये भी प्रोजेक्ट के आउटपुट में रिडायरेक्शन करेगा, लेकिन ये एक स्टेटस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ से भी आप कंसोल आउटपुट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे कंसोल आउटपुट में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कमांड जो रन किया था इको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड किया, तो ये क्या बोला कि ऐसा कोई कमांड मिला नहीं। सो जेंकिंस यहाँ पे जब भी रन करता है तो आपको पूरा कंसोल आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करता है, जैसे कि आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे क्या फेल हो रहा है क्या पास हो रहा है। तो ऐसे आप ट्रिगर कर सकते हो, मतलब आपका ट्रबल शूट पास कर सकते हो कि मतलब कौन सा कमांड ट्रिगर हुआ है। वापस चलते प्रोजेक्ट के केस पे, डैशबोर्ड के में अभी चल रहा हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेदर का जो आइकॉन है, वेदर रिपोर्ट का जो आइकॉन है, यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्ड स्टेबिलिटी स्टेटस क्या है कि वन ऑफ आउट ऑफ टू बिल्ड फेल, मतलब दोनों में से एक बिल्ड फेल हुआ है। तो वेदर यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, बट यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट ट्रिगर करता हूँ, तो अब जैसे हम क्लिक करेंगे एक ट्रिगर होगा, पेज में रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे वेदर थोड़ा खराब हुआ, आप देख सकते हो कि बिल्ड स्टेबिलिटी 2 आउट ऑफ 3 फेल, मतलब दो बिल्ड कंटिन्यूअसली फेल होता है। वेदर का आइकॉन जैसे चेंज हो गया, जैसे इट्स गोइंग टू, मतलब बारिश आने वाली है। अभी देखते हैं कि एक बार फिर से मैं ट्रिगर करता हूँ, ये थर्ड टाइम है, उसके बाद एक बार फिर से करते हैं, मतलब टोटल हम 5 बार करेंगे, सो इट विल चेंज योर वेदर। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 बिल्स फेल, एंड लास्ट मतलब 5 5th टाइम्स कर दें। ओके, सो अभी अपना बिल स्टेबिलिटी यहाँ पे बोले कि बिल सारे फेल हो चुके, ऑल रिसेंट बिल फेल। तो अभी वेदर रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है कि सारे रिसेंट बिल यहाँ पे फेल हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जो आइकॉन वेदर रिपोर्ट में भी देख सकते हो कि आइकॉन ऐसा दिखा रहा है कि अभी सिचुएशन बहुत खराब होने वाली, बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है। सो यहाँ से आप अपने बिल को ट्रेस कर सकते हो। सो अभी प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे फेल्योर आ रहे हैं, तो अभी हम इसको डिसेबल करने जा रहे हैं। तो अभी ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट को डिसेबल कैसे करें। तो अब जैसे प्रोजेक्ट के एडिट फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे डिसेबल प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट साइड में, तो ये मैं डिसेबल क्लिक कर रहा हूँ। आप जैसे डिसेबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से बिल्ड नाउ ऑप्शन चला जाएगा।
तो आपको यहाँ पे बिल्ड नाउ ऑप्शन नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन चला गया, रेड जो दिखा रहा था फिर उसकी जगह पे डिसेबल ऑप्शंस आ गया, तो ये आइकॉन पूरा चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे जो बिल्ड नाउ का जो बटन था वो भी अभी चला गया क्योंकि हमने इसको डिसेबल कर दिया है। वापस इनेबल करते हैं। ओके सो अब जैसे इनेबल किया था अभी बिल नाउ भी ऑप्शन आ गया और डैशबोर्ड के अंदर जो आइकॉन चेंज हो गया अभी रेड दिखा रहा, मतलब लास्ट स्टेटस जो दिखा था, एंड यहाँ पे भी आप ट्रिगर बिल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे प्रोजेक्ट का फेलिंग पे जॉब पे क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे वेदर रिपोर्ट चेंज होता है, उसके लॉग कैसे देखेंगे, एंड प्रोजेक्ट को इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि टॉपिक है जो कॉपी, मतलब जॉब्स को कॉपी कैसे करें और जॉब्स का नाम रिनेम कैसे चेंज करें।